बेटमा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में शुक्रवार शाम को हुई जोरदार बारिश के बाद किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, तो वहीं किसान अपने खेत में सोयाबीन की फसल की देखरेख में जुट गए हैं। किसान बारिश के बाद होने वाले सभी प्रकार की बीमारी एवं कीड़े मकोड़े से अपनी फसल को बचाकर अपने प्रदेश में कहलाने वाले पीले सोना को बचाता है। और किसानों का कहना है कि जैसे हम लोग अपने बच्चे की देखभाल करते हैं, इसी प्रकार हम फसल को भी सभी प्रकार की बीमारियों से बचाते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं, उसको सुरक्षित भी रखते हैं। अब क्षेत्र के किसान ट्रैक्टर बैल व अपने स्थाई साधनों के साथ अपनी फसल को बीमारियों और कीड़ों से बचाने में लग गए हैं। बेटमा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में शुक्रवार शाम को हुई जोरदार बारिश देर रात तक बनी रही। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में सड़कें पानी से लबालब हो गई, वहीं किसानों के चेहरे भी खिल गए। बेटमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।